हेलो क्लास 11। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उससे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं तो कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। इसको हम लोगों ने नाम दिया था रिलेटिव मोशन, और इसका फार्मूला हुआ करता था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको इस पे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन है, अ कार ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड एंड अनदर कार बी इज मूविंग विद वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब आपको कार ए की वेलोसिटी पता करनी है बी के रिस्पेक्ट में, ये पता करना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i कैप माइनस 4j कैप, ये दे रखी है आपको 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि है i कैप प्लस j कैप। सॉल्व करें इसको, 3i कैप माइनस i कैप दैट इज 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस j कैप माइनस 5j कैप, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 + 25 दैट इज √29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका लास्ट लेक्चर का रिजल्ट और उस पर एक क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ए इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन बी मूव्स इन ईस्ट 30 डिग्री टू नॉर्थ डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये है कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए वाला बी को कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ देखेगा, ठीक है। ईस्ट या आई कैप, वेस्ट माइनस आई कैप, नॉर्थ जे कैप, साउथ माइनस जे कैप। ए की वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, इधर वेलोसिटी ऑफ ए है ये 10 जे कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी फ्रेम में हम बी को शो करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी इज ईस्ट 30 डिग्री टू नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट टू नॉर्थ एट 30 डिग्री, ईस्ट टू नॉर्थ एट 30 डिग्री, 30 डिग्री विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके दो कंपोनेंट करें, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30, इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें और ये हो जाएगा 10 sin 30। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5√3 cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 5, और यहां पर ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम आपसे पूछें कि ए की वेलोसिटी, ए की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 जे कैप, बी की एक्चुअल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी
कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 5√3 आई कैप, 5√3 आई कैप प्लस 5 j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या पता करना, हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। ए ने बी को कितनी स्पीड से चलता हुआ देखा है, कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ देखा है। तो हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Velocity of B with respect to ground is this, 5√3 i cap plus 5 j cap minus velocity of A with respect to ground 10 j cap। Solve करें इसको, 5√3 i cap 5 j cap minus 10 j cap that is minus 5 j cap, ये velocity होगी B की A के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A सॉल्व कर ले, अंडर रूट 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर फ्रेंड्स, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फील करते हुए। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ए की वेलोसिटी का फ्रेम है, ये सिर्फ बी की वेलोसिटी का फ्रेम है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन अगर मैं दोनों को एक ही फ्रेम पे ड्रॉ करूं और ए के रिस्पेक्ट में चेक करूं, ए के रिस्पेक्ट में बी को चेक करूंगा, तो ए को हमें रेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और रेस्ट पे करने के बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ए की वेलोसिटी को रिवर्स करके बी को प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ए की वेलोसिटी को रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वी ए, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एक ही फ्रेम में दोनों को हम लोग सेट कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए के रिस्पेक्ट में चेक करना है तो ए की वेलोसिटी को रिवर्स करिए, तो रिवर्स करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 जे कैप का माइनस 10 जे कैप, माइनस 10 जे कैप। ठीक है, और ए को प्रोवाइड कर दीजिए, तो सॉरी बी को प्रोवाइड कर दीजिए, बी की वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट्स, बी की वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में 5√3 आई कैप और वाई डायरेक्शन में कितने स्टूडेंट्स, 5 j कैप। अब इसको सॉल्व कर ले, तो जब सॉल्व करेंगे तो 10 जे कैप माइनस 5 जे कैप यहां पर करना होगा, तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में मिलेगी, कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, ये आपको मिलने वाली है 10 जे कैप माइनस 5 जे कैप दैट इज माइनस 5 जे कैप, और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5√3 आई कैप। ये अब आपको रिजल्टेंट मिलेगा, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5√3, 5√3 आई कैप माइनस 5 j कैप, यही रिजल्ट आप लोग को मिला था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अ मैन ए is moving with velocity 3i cap minus 4 j cap and B is moving with velocity i cap plus j cap relative to A. Find actual velocity of B with respect to ground. आपको क्या information provide कर रखा है इन्होंने, velocity of A with respect to ground, actual velocity provide कर रखा है A की, जो कि है 3i cap minus 4 j cap. Velocity of B ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना देके ए के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, मतलब आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और आपसे
पूछ क्या रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी, बी की एक्चुअल वेलोसिटी पूछ रहे हैं ये। हमारे पास जनरल सा फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होता है फ्रेंड्स, बी की वेलोसिटी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सॉल्व करें इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही आपसे पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ऐसे रहने दीजिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस पूरे सिस्टम को इधर लेके आए तो आई कैप प्लस जे कैप ये प्लस थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप, सॉल्व कर लीजिए, आई कैप प्लस थ्री जे थ्री आई कैप फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पे, ये भी रिलेटिव मोशन का एक खास एग्जांपल होता है रेन मैन प्रॉब्लम। ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी आज का है रेन मैन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अगर एक ऑब्जर्वर है वो यहां पे खड़ा हो रखा है, रेस्ट पर है अभी फिलहाल ये, और रेन ड्रॉप वी स्पीड से वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पर आ रही है, गिर रही है, तो ये अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये अम्ब्रेला लगाएगा हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पर या वर्टिकल से थीटा पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब ये जो ऑब्जर्वर है ये भी मूव करने लगता है, और तब यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। चलिए देखा जाए कैसे। मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कुछ वी स्पीड से या वी मैन से आगे चल रहा है, और रेन ड्रॉप वर्टिकल डायरेक्शन से, वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पर गिर रही है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन यह बनता है कि इस ऑब्जर्वर को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना होगा, किस एंगल पर पकड़ना होगा, और इसके भी दो एग्जांपल्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, दूसरा वर्टिकल से कितने एंगल पर। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट होता है, बस देखते जाइए आप लोग। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है और जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर गिर रही है, कभी कभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी गिरता हुआ बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वेलोसिटी को, इस रेन की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट दीजिए, ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस रेन की वेलोसिटी को आप कंपोनेंट वाइज कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वी आर साइन थीटा माइनस डायरेक्शन में, मतलब माइनस आई कैप, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस वी आर कॉस थीटा माइनस जे कैप नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सॉल्व करिए इसको थोड़ा सा, माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा
जी है। वहीं पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो है वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब वी एम आई कैप। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि इस ऑब्जर्वर को ये ड्रॉप, ये जो रेन ड्रॉप है वो किस एंगल पर कितनी स्पीड से आती हुई नजर आ रही है, मतलब कि हमें रेन ड्रॉप की वेलोसिटी पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या मैन। मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि वो जो एम्ब्रेला यूज करेगा या लगाएगा, जो छाता लगाएगा, वो इस रेन ड्रॉप के रिस्पेक्ट में लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सॉल्व करिए, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। velocity of man with this ground that is vm i cap minus vm i cap। चलिए सॉल्व करिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, तो माइनस वी आर साइन थीटा प्लस वी एम आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप, ये आपका फाइनल रिजल्ट है velocity of rain with respect to man। ठीक है students, अब इसमें क्या क्या changes हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं वो देखिएगा। अब एक ही फ्रेम में मैं दोनों को ड्रॉ कर रहा हूं, हम मैन के रिस्पेक्ट में ड्रॉप की वेलोसिटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो मैन को कहां पे रखना पड़ेगा हमें, रेस्ट पर। मतलब मैन के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक कर रहे हैं तो मैन को रेस्ट पर रखना पड़ेगा। रेन ड्रॉप के पास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी आर कॉस थीटा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी आर साइन थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैन है इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी मैन था, वेलोसिटी ऑफ मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन हमें मैन के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेक करना है, तो इसको हमें कहां पे रखना पड़ेगा, रेस्ट पर। जैसे ही हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो इसके वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके हमें किसको प्रोवाइड कर देना चाहिए, रेन ड्रॉप्स को। तो जब इसका वेलोसिटी वेक्टर वी एम फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो जब आप रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वी एम, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वी एम नेगेटिव डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका ये, और यहां पर जरा गौर करिएगा तो अब चेंज हो जाएगा कुछ, एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में रेन ड्रॉप वर्टिकल से थीटा एंगल पे गिर रहा था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल से थीटा एंगल पे नहीं गिरेगा, कुछ और एंगल पे गिरेगा, और ये जो कुछ और एंगल है इसको मैं अल्फा ले रहा हूं। ठीक है, अब टेन अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन अल्फा इज इक्वल टू, tan alpha is equal to perpendicular upon base, तो इसके लिए perpendicular कितना हो जाएगा, perpendicular हो जाएगा vr sin theta plus vm divided by base, base कितना हो जाएगा vr cos theta, और ये जो alpha angle है यही हो जाएगा horizontal से vertical से umbrella की direction। ठीक है, मतलब कि इस ऑब्जर्वर को वर्टिकल के साथ इतने एंगल पर अपना छाता लगाना होगा। ठीक है, अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं अम्ब्रेला की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से बताइए, तो हॉरिजॉन्टल से बताने के लिए क्या करेंगे आप, ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल से अम्ब्रेला की डायरेक्शन। अब इसके लिए हमें टेन बीटा कैलकुलेट करना होगा, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार कितना हो जाएगा वी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है स्टूडेंट्स, वी आर साइन थीटा प्लस वी एम।
वेलोसिटी ऑफ मैन। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ इस केस में यूज होने वाला फार्मूला है। इसके बहुत ढेर सारे वर्जन आएंगे, आपको बस ये याद रखना है कि आपको रेन ड्रॉप की वेलोसिटी पता करनी है मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रेन मैन प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद अ स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड √3 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल द मैन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप द रेन अवे। मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वर है, वो 1 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और जो रेन है वो वर्टिकल से वर्टिकल डायरेक्शन में √3 मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस इंसान को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है, एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल से किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्ज करिए कि आपका जो ये ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है, अगर ना चल रहा होता तो रेस्ट पर होता, और रेस्ट पर होता तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना पड़ता, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल से 0 डिग्री पर। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी चल रहा है, और अभी अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लोग यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना स्टूडेंट्स, 1 i कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना स्टूडेंट्स, √3 माइनस √3 j कैप। ठीक है, आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप एज सीन बाय मैन, मतलब रेन ड्रॉप को मैन किस डायरेक्शन में आते हुए देखेगा, किस वेलोसिटी से आते हुए देखेगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, −√3 j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है फ्रेंड्स, −1 i कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल रिजल्ट, लेकिन यहां पर हमें कुछ यहां पर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी लेना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा सा और फीलिंग बढ़ेगी आपकी। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में इस रेन ड्रॉप को चेक करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे हो गया है, नहीं हमने कर दिया, ठीक है, और रेन ड्रॉप जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रही थी √3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें हम लोग इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को रिवर्स करके प्रोवाइड करेंगे, यही तो होता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इसके लिए रेन ड्रॉप की फाइनल वेलोसिटी होगी, कितनी हो जाएगी, ये इधर आएगी, और यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, जो कि ये आई है, देखिए यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये देखिए −√3 j कैप −1 i कैप। सॉल्व कर लीजिए, तो ये i को आप पहले कर लें, −i कैप −√3 j कैप। अभी हमें एंगल बताना है, एंगल किस डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला ओपन करना होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
हमें अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में ओपन करना होता है जिधर रेन ड्रॉप आती हुई दिखती है, ठीक है ना। तो रेन ड्रॉप इस एंगल पर आती हुई दिख रही है, ये एंगल है, ये एंगल को मैं मान ले रहा हूँ अल्फा, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्फा हो जाएगा, और हमें टेन अल्फा निकाल लेना चाहिए। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इस ट्रायंगल में टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है वन, वन बेस कितना फ्रेंड्स रूट थ्री, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जर्वर को 30 डिग्री वर्टिकल से 30 डिग्री पर हमें एम्ब्रेला ओपन करना होगा फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये पूछते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ओपन करना होगा, तो हॉरिजॉन्टल से अगर ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में चेक करना है उसी पर जाकर बैठ जाइए, उसको रेस्ट पर ले लीजिए, और उसकी जितनी भी वेलोसिटी है सब रिवर्स करके दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दीजिए, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।